वेलकम टू अर चैनल माई सुपर बाइट्स के स्टडी बाइट्स में. हमने बहुत सारे वीडियोस इंग्लिश लिटरेचर के पोएम्स हैं, ड्रामाज हैं, नॉवेल्स हैं, एसेज हैं, उन पर बनाए हैं. आप लोगों की डिमांड पर मैं इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स भी बना रही हूँ. बहुत सारे लोगों ने इसकी रिक्वेस्ट करी है. एक्चुअली ये एसे बहुत लंबा है. इतने लंबे एसेज वीडियो द्वारा नहीं पढ़ाए जा सकते हैं क्योंकि उसमें ब्रेक आ जाता है, एक वीडियो बहुत लंबा हो सकता है. तो इस बार भी मैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन खास बातें हैं जो कि एग्ज़ाम्स में आ सकती हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करवा रहे हैं. एक तरह से पूरा ही हो जाता है, लेकिन फिर भी उसके बाद आप जाके ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं. चार्ल्स लैम द्वारा लिखा हुआ है ये ऐसे, इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स. चार्ल्स लैम एक रोमांटिक एरा के एसेस थे. उनका नाम अधिकतर जोड़ी में लैम और हैजलेट, आपके कोर्स में इस तरह से आता है, कुछ लैम के एसेस होते हैं, कुछ हैजलेट के होते हैं. और उनका जो टाइम पीरियड है वो है 1775 से 1834 का. और वो इंग्लिश एसेस्ट हैं, पोएट हैं और बहुत अच्छे से नोन हैं अपने एसेस ऑफ इलिया के लिए. और उन्होंने एक चिल्ड्रंस बुक भी लिखी है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, जहाँ पे शेक्सपियरियन प्लेज को सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बच्चों के लिए लिखा गया है, इंग्लिश चिल्ड्रन के लिए लिखा गया है. आपको तो वो फिर भी डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा है. जो ड्रामा नहीं पढ़ सकते हैं वो प्रोज फॉर्म में शेक्सपियर की टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर पढ़ सकते हैं. और ये को ऑथर किया था उनकी सिस्टर, उनकी बड़ी सिस्टर थी एक मैरी लैम, जो तकरीबन उनसे 10-11 साल बड़ी थी. उन्होंने भी इनका साथ, मतलब दोनों ने, भाई बहन ने मिलकर ये बुक लिखी है. ये बहुत ही पॉपुलर बुक है, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर. चार्ल्स और मैरी लैम दोनों की एक कमी थी, मतलब उनमें एक मेंटल इलनेस थी, मतलब एक उनको दौरे पड़ते थे, फिट्स आते थे. उन्होंने खुद ने कन्फेस किया एक बार कॉलरिज को लिखकर, उन्होंने ये सारी चीज़ बताई. और ये भी बताया कि वो 6 वीक्स तक एक बार मेंटल असाइलम में रहे थे, यानी कि पागलखाने में रहे थे. और इतनी इलनेस बढ़ गई थी एक बार मैरी लैम की कि वो बहुत अग्रेसिव हो जाती थी. तो एक बार तो इतनी अग्रेसिव हो गई कि उन्होंने, मतलब वो उनको किसी बात पे, अपने काम वाली पे गुस्सा आया, उसको उन्होंने धक्का दिया, किचन से बाहर निकाला. जब मैरी की मदर एलिजाबेथ ने उनको टोका तो उन्होंने गुस्से में आकर किचन का नाइफ लेकर अपनी मदर को स्टैब कर दिया, मतलब मार दिया. और जब चार्ल्स को पता चला तो वो भाग के गए और उन्होंने उसके हाथ से चाकू छीना. कहने का मतलब है कि एक तरह से अपनी माँ का मर्डर इनकी सिस्टर के द्वारा हुआ, पर पागलपन के दौरे में. तो देखिए, इस तरह की घटनाएं और इस तरह का मेंटल सेटअप किसी राइटर का जो इतना सेंसिटिव है, आप सोच सकते हैं कि कितना डीप होगी उसकी थिंकिंग, कितनी इमेजिनरी होगी. मतलब वो पागलपन के हद तक जब वो लोग जा सकते हैं. दे वर नॉट नॉर्मल, बोथ ब्रदर सिस्टर्स वर वेरी टैलेंटेड, वो बहुत बड़े लिटरेरी राइटर्स थे, लेकिन ये एक मेंटली वो अपने आप को नहीं संभाल पाए और सिस्टर ने तो यहाँ तक कि अपनी मदर को गुस्से में, आवेश में आके मार दिया. हम बात करते हैं अब इनके जो ऐसे की द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स, ये एक बहुत ही फेमस ऐसे है जो कि पब्लिश हुआ था 1823 में और जो उनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है एसेज ऑफ इलिया, तो उसमें ही ये पब्लिश हुआ था. और बहुत ही टचिंग डिस्क्रिप्शन दिया है चिमनी स्वीपर्स का. चिमनी स्वीपर्स वो छोटे छोटे बच्चे जो चिमनी में जाकर चिमनीज को साफ करते हैं. तो लैम का जो डीप रिस्पेक्ट है, सिंपथी है, और बहुत सारे जो उसके एपिसोड्स हैं, मतलब उसने बहुत सारे किस्से बताए हैं इसमें, तो एक तरह से ये वंडरफुल पीस ऑफ आर्ट है. और जो स्मॉल ब्लैक बॉयज जो ज़बरदस्ती डार्क लॉन्ग चिमनीज में उतारे जाते थे, कई बार तो उनकी वहाँ सफोकेशन से मौत हो जाती थी, उनको कई बीमारियाँ हो जाती थी लंग्स की, क्योंकि इतने छोटे होते थे वो और उनको सांस लेने को नहीं मिलता था और उनको बहुत ही टेरेबल कंडीशंस में काम करना पड़ता था. और 1832 में एक लॉ भी बना था अगेंस्ट चाइल्ड लेबर. तब मतलब गवर्नमेंट ने ये इशू किया था कि इतने छोटे बच्चों को, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम नहीं करने दिया जाएगा. तो जो प्रेज किया है इन्होंने चिमनी स्वीपर्स में, जो उन्होंने एक ह्यूमैनिटी और सिंपथेटिक नेचर अपना रिवील किया है इस ऐसे के द्वारा,
वो छोटे चिमनी स्वीपर्स की ही बात कर रहे हैं, वो बड़े एडल्ट चिमनी स्वीपर्स की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ। जो 14 साल के, जो 3 से 5 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे, जिनको ढंग से अभी कुछ भी नहीं आता, जो भूखे रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा मतलब अपनी मतलब ज़िंदगी उनकी एक तरह से टोटली नष्ट हो चुकी है, वो किस तरह से चिमनीज में जाते हैं, अंदर उतरते हैं, किस तरह से साफ करते हैं, मतलब एक वॉरियर की तरह अंदर जाते हैं और पूरा मतलब साफ करके जब निकलते हैं तो वो एक वॉरियर की तरह होते हैं। उनके मुंह काले हो रहे होते हैं बुरी तरह से, जब वो स्माइल करते हैं तो उनके अजीब से दांत और एक फेशियल फीचर्स चमकते हैं। ये सारा डिस्क्रिप्शन बहुत ही डिटेल में, बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज में चार्ल्स लैम ने अपने इस एसे में किया है। मतलब इमेजिनरी जो है वो बहुत ही डीप है, आपके सामने पूरी पिक्चर आ जाती है। इस ऐसे की क्वालिटी ये है कि ये बहुत ही सेंसिटिवली डीप है, इसकी लैंग्वेज जो है वो बहुत अच्छी है और थोड़ा पर्सनल टच है कि जैसे वो जब मिलते हैं तो किस तरह का फील करते हैं उन चिमनी स्वीपर्स के साथ। जब भी छोटे बच्चे इधर उधर दिखते हैं तो उनको लगता है कि इनको कुछ दे देना चाहिए, पेनी और 2 पेंस, मतलब इसलिए थोड़ी सी इनकी मदद हो जाएगी जहाँ पर भी होते हैं। और एक बार क्या हुआ था कि ये फिसल के कहीं गिर गए थे तो एक चिमनी स्वीपर जोर जोर से हंसने लगा तो उनको बिल्कुल बुरा नहीं लगा, उनको लगा कि अच्छा है, इसको कुछ एंटरटेनमेंट मिला। अगर कोई और हंसता तो उनको बहुत ही इंसल्टेड और डिस्गस्ट की फीलिंग आती, लेकिन जब चिमनी स्वीपर के मुँह से एक आवाज़ और मजाक की सी हंसी सुनी तो चार्ल्स लैम को बहुत ही अच्छा लगा। तो ये भी उन्होंने काफ़ी लंबा सा डिस्क्राइब किया है। ऐसे ही उन्होंने कहा है कि उनके वाइट टीथ और उसमें सूटी, उनका पूरा फेस जो काला होता है, जो जो कालिक होती है, जो उसमें वो एक तरह से छप जाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि इन बच्चों को एक टी पसंद है, एक तरह की टी होती है सासाफ्रास टी, मतलब उसमें कई तरह की जड़ी बूटियां हैं, जैसे हमारे यहाँ एक मसाला टी बनती है जिसमें अदरक काली मिर्च डालते हैं, उसी तरह से एक टी की खुशबू, और ये बच्चे जान देते हैं उसमें, उनको इतना अच्छा लगता है उसमें सूखे टोस्ट बो कर ये लोग खाते हैं। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि कौन सी टी की बात हो रही है तो सासाफ्रास टी की बात हो रही है यहाँ पर, तो आप इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं इस वीडियो के द्वारा। डिस्क्रिप्शंस देखिए बहुत लंबे हैं, बहुत सारे इसमें उन्होंने एनेक्डोट्स होते हैं किससे, उन्होंने किससे इसमें करे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि चिमनी स्वीपर्स कोई बॉर्न थोड़ी होते कि एज चिमनी स्वीपर्स, पर वो एक नोबल फैमिली में बर्थ लेते हैं। कई बच्चे हैं जो अच्छी फैमिली से आते हैं लेकिन उन्हें किडनैप कर लिया जाता है, उनके बचपन से ही किडनैप हो गए और आगे चिमनी स्वीपर्स बना दिया उन्हें। जिस तरह से अपन लोग यहाँ पर देखते हैं कि छोटे बच्चों को भीख मांगने के लिए सड़क पर और अच्छे कहीं से भी किडनैप करके लोग आते हैं, ये भी एक पूरा धंधा है। ये एक समाज का बहुत ही एक बुरा कहना चाहिए वो एक एंगल है। और उन्होंने अपने जो इस ऐसे में किस तरह से वो कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं, कैसे वो स्टॉल्स लगी हुई हैं जहाँ पे इनकी चाय बन रही है, और उस तरह से काफ़ी कुछ एंटरटेनिंग वे में और एक तरह से ऑनर दिया है इन छोटे चिमनी स्वीपर्स का। देखिए ऐसे बहुत लंबा है पर यहाँ पर नहीं होगा जैसे मैंने आपको बताया, पर आपको एक झलक दे दी है, एक तरह का ये कर्टन रेजर दे दिया है कि अब आप उस ऐसे को जाकर पढ़ सकते हो। कई क्वेश्चंस तो इसी में आ जाएंगे आपका, जैसे इनके जो एसेज होते हैं चार्ल्स लैम के वो पर्सनल में आते हैं। जैसे अगर आप कंट्रास्ट करेंगे बेकन के एसेज को तो वो बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल लेवल पे हैं, मतलब वो अपील करते हैं यूनिवर्सली सबके साथ, लेकिन ये जो एसेज हैं ये ज़्यादातर आपको पर्सनल वे में मिलेंगे। इन्होंने जितने भी एसेज लिखे हैं अपनी लाइफ के इर्द गिर्द, इनकी लैंग्वेज अलग है, खुलकर है, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन की बहुत ही एपिग्रामेटिक स्टाइल है, वो कंप्रेस्ड है, उसमें टीचिंग्स ज़्यादा हैं, मॉरल्स ज़्यादा हैं। लैम के एसेज में एक्सपीरियंस ज़्यादा है और बहुत लोगों को चिमनी स्वीपर्स की लाइफ स्टाइल और किस तरह से वो काम करते थे ये लैम के ऐसे से ही पता चला है। क्योंकि देखिए धीरे धीरे ये सब खत्म हो गया और काफ़ी बड़ी वो क्राइम बना जाता था अगर आप एक 14 साल के नीचे के बच्चों को काम करा रहे हैं। बहुत लोगों ने ब्लेक ने लिखा है चिमनी स्वीपर्स पर और डिकिन्स ने भी मेंशन किया है चाइल्ड लेबर को, उनको भी ग्लास फैक्ट्री वगैरह में काम करना पड़ा था। तो उन्होंने अपने डेविड कॉपरफील्ड में और भी कितनी सारी ऑलिवर ट्विस्ट में सब में चाइल्ड लेबर का उन्होंने डिस्कशन किया है। तो देखिए आप 2-4 पॉइंट्स इसमें याद रख लीजिए,
कि ये चिमनी स्वीपर्स उन छोटे बच्चों की कहानी है जो कि चिमनीज में उतरते हैं, बड़े बड़े ओवन्स होते हैं उसकी चिमनी होती है, हाउसेज में जो जहाँ पर लकड़ी जल के जो गर्म करती है क्योंकि वहाँ बहुत ठंड होती है, तो वो जो धुआं जाता है वो चिमनीज के थ्रू, तो वो जो और इंडस्ट्रीज की, क्योंकि देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो रहा था रोमांटिक पीरियड के बाद में, तो उस टाइम पे इंडस्ट्रीज थी तो उनकी चिमनीज बहुत सारी, तो उसमें बड़े आदमी नहीं उतर सकते थे, छोटे ही बच्चे उतरते थे, तो उस तरह से जो पूरा सीन है वो इन्होंने इसमें बताया है और उनकी चाय के बारे में कहा है, वो क्या खाते हैं, उनको हम किस तरह से दया के भाव में देख सकते हैं, कंपैशन होना चाहिए, उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए, उन्होंने दुनिया ही नहीं देखी है, बहुत बचपन से ही वो लोग काम में लग गए हैं, तो इस तरह से उन्होंने पूरा चिमनी स्वीपर्स को डिटेल में वर्कआउट किया है, मतलब आपके लिए लिखा है, तो अब आप जाके ऐसे को पूरा टेक्स्ट वाइज पढ़ सकते हैं, काफ़ी कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है, अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो हम इसको बाद में डिटेल में बनाएंगे। आशा करते हैं आपको ये सब अच्छा लगा होगा, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक करो। देखिए ये सब बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। हम लोग काफ़ी सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं, ऑल लिटरेचर जिसमें हमारा मेन सब्जेक्ट है, आपने हमारे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, जो नहीं देखे हैं तो आप क्या करिए उसमें लिख दीजिए जो भी आपको टॉपिक चाहिए और उसके आगे लिखिए माय सुपर बाइट्स, तो आपको मिल जाएगा। माय सुपर बाइट्स की वेबसाइट में आपको इसके कुछ पीडीएफ्स मिल जाएंगे, साइकोलॉजी पे हमने काफ़ी पीडीएफ पोस्ट करे हैं, आपके इंग्लिश के लिए भी बहुत ज़रूरी है वो, और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें जिसका मीडियम हिंदी है, तो हिंदी में तो हमने आपको पहले ही बताया कि 30 से 40 वीडियोस बनाए हैं, लिटरेचर में भी हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लगभग आपका कोर्स पूरा ही करा दिया गया है। थैंक यू।